बिहार में जुलाई महीने में पहली बार कोरोना के सर्वाधिक केस एक दिन में मिले हैं। राज्य में एक दिन में 338 नए संक्रमित मिले। अकेले पटना जिले में 182 नए संक्रमित मिले हैं। पटना में 5 महीने के बाद एक दिन में इतने अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। एक साथ 300 से अधिक केस मिलने के बाद राज्य में संक्रमित केस 1269 हो गए हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण से प्रभावित एक बच्चे की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया कि बीते 24 घंटे में 1,22,402 टेस्ट किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में 182, भागलपुर में 30, बांका में 26, बांका में 16, मुजफ्फरपुर में 12, दरभंगा में 11, बेगूसराय में 7, गया में 7, खगड़िया में 9, सुपौल में 8, जहानाबाद में 6, मधुबनी में 5, पूर्णिया में 6 नए संक्रमित मिले हैं। विभाग के अनुसार राज्य में कोविड संक्रमण दर 0.27% जबकि पटना की संक्रमण दर 2.20% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1% से अधिक संक्रमण दर को खतरनाक मानता है। विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में पूर्व से संक्रमित रहे 228 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 1269 हो गए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के साथ पटना जिले में संक्रमण दर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।